वो एप्पल वाला जो सेब लगा हुआ रहता ना वो ही लाके देता था, क्योंकि ऐसे उंगली से इशारे से बताऊंगा तो उसको तीन चार होता था, तो जब इशारा ये ना ये ना ये तो हाँ ये तो दे देते थे इस तरीके से करके। पड़ोस में जो बैठता था बोला ये दिमाग खराब है इसका, इसके पड़ोस में कभी नहीं बैठूंगा, वो मेरे पड़ोस में भी नहीं बैठता था। बहुत मजा आता था। और ये लाइफ आज बिना पढ़ा लिखा लोगों को मिला है, अगर ये अनपढ़ लोगों को मिला जो आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरा, आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरा, शुरुआत किया तो मैं दूसरे से भरवाया, भरवा भरवा के लोग कहता था कि भर दो, तो मैं बोलता था सामने टेबल पर रख देता था आप ही भरो, तो वो बोलते थे मैं तो मने पांच क्लास छह क्लास सात क्लास पढ़ा हुआ कैसे भरूंगा, गलत हो गई तो मैं कहता था भरो तो सही मैं हूं ना। सामने वाले को क्या पता, वो तो सात क्लास पढ़ा हुआ, ये जो बता रहा है वो तो कुछ भी नहीं जानता। भरवा भरवा के नॉमिनी की जगह अपना नाम डाल दे, अपने नाम की जगह नॉमिनी डाल दे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, भरा हुआ देखा उठा के रख लिया। और ब्रांच में जाके हाथ जोड़ के सही करवाता था, और ब्रांच मैनेजर कहता था जब भी लाता है फोन के रद्दी बना के लाता है, लाइन में खड़े हो जाओ। मैं बोलता था ठीक है सर कर दो, हाथ जोड़ के मैं करवाता था उनसे, क्योंकि भाई काम करना है तो झुक के ही करना पड़ेगा ना, अकड़ के तो उससे करवा नहीं सकते, सच है ना। तो एक एक घंटे के बाद मेरा नंबर आता था, फिर वो फॉर्म भरता था। आज बड़ा खुश होता है वो, रावत जी हमारे दिल्ली के टॉप ब्रांच मैनेजर हैं, काफी साथ दिया उन्होंने, बहुत खुशी होती है, उन्होंने काफी फॉर्म को मेरा सही किया है। तो मुझे एक ही चीज समझ आता है, जब मैं कर सकता हूं, आज तक किसी का फॉर्म नहीं भर पाया, भरना ही नहीं आता तो भरूंगा कहां से, भरवा दूसरे से भरवा भरवा के 5% से स्टार्ट करके यूसीडी बन गया। आप तो सोचो आपको भरना आता है, आप डबल डीओसीडी बनोगे, आप सब बनोगे, राइट। और ये लाइफ जब ये लड़के को मिल सकता है जो कभी किसी का फॉर्म नहीं भरा, कभी स्कूल नहीं गया, मेरे खानदान में कोई सोच नहीं सकता मर्सिडीज कार के लिए, सोचना तो छोड़ो वो दूर से देख भी नहीं सकता, देखना भी उनके लिए गुनाह होगा। और मैं उसी मर्सिडीज को ले रहा हूं 27 तारीख को, सोचिए मैं बैठूंगा चश्मा लगा के तो कैसा लगूंगा, उतरूंगा तो कैसा लगेगा, और ड्राइवर को तो रखा ही है चलाने के लिए, मेरे को टेंशन है नहीं, पीछे ही बैठूंगा, है ना। और उसमें बहुत एरिक सब ऑटोमेटिक है, कौन कौन सा बटन से आगे सीट हो जाता है, कौन सा पीछे से पीछे हो जाता है, और गेट आगे करो तो शीशा अपने आप घूम जाता है, उसमें बड़ा ऑटोमेटिक सब चीज है। मैं बैठा था आहा, लगा कि क्या अगर मोइन सोच, अगर वेस्टीज तुझे समझ नहीं आता, अगर वेस्टीज तेरे को अकल नहीं आता, कुदरत ने सही टाइम पे, धन्यवाद देता हूं उन कुदरत का शुक्र गुजार हूं कि सही समय पे मुझे अकल आ गई, जो मैं इस चीज को अपना लिया और इसको सही तरीके से समझा। अगर हम अपने आप से पूछता कि मोइन सोच, अगर तुझे अकल नहीं आती, सही तरीके से इस सिस्टम को नहीं समझता वेस्टीज को, क्या ये मर्सिडीज ले सकता था, तो मुझे अकल लगाएगी सही। गॉड तेरा धन्यवाद, और वो अपलाइन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बताया, और कंपनी का मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि एक आम लड़के को जमीन से उठा के पलक पे बैठा दिया। सही बात, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि एक आम लड़का जब खास बन सकता है जिसको कुछ नहीं आता, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। यस यू नो, बस डिसीजन लेने की नौबत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें कामयाबी चाहिए तो फैसला तो हमें लेना पड़ेगा, राइट? फैसला लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जो हाथ नहीं उठाया वो फैसला नहीं लेना चाहता क्या? ओके, ये सब लाइफ चाहिए ना? ये लाइफ चाहिए ना? सॉरी कहां चला गया? ओहो, भागते ही चला जा रहा है। अरे रुक जाओ भाई, ओके आ गया, थैंक यू थैंक यू। वो बटन भी बोला स्पीड भागता है। ओके,
अब ये लाइफ चाहिए तो क्या करना होगा? एक फैसला लेना होगा, और आपको फैसला अब कौन से भाषे में लिखा हुआ मुझे नहीं पता, पढ़ लेना, पढ़ना आता तो पढ़ लेना, ये सोच लो फैसला लेना पड़ेगा आपको। फैसला एक लेना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि मुझे सफल होना है। ठीक है, ले सकते हैं? डिसीजन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश से बोलना नहीं आता है, हिंदी में बोल देता हूं, फैसला ले लो, है ना। दूसरा, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम, वेस्टिज में कितने शब्द हैं? शब्द कितने हैं? सात। अच्छा, दुनिया में कितना अजूबा है? सात अजूबा है। वाओ, दुनिया में समुंदर कितने हैं? समुंदर सात। सच है? अच्छा, हफ्ते का दिन कितना होता है? अच्छा, सात होता है। वाओ, ये सब होता है तो हमारे वेस्टिज का शब्द कितने हैं? सात। काम आपको करना पड़ेगा सात। ये इतिहास से जुड़ी हुई चीज है। हाँ जी, क्या बात है, एक बार सबके लिए जोरदार क्लैपिंग। सात काम में क्या करना पड़ेगा? हम हर काम को करते थे, इनकम कितना मिलता है? एक एक मिलता है ना, हाँ ये ना। देखो, मैं इंग्लिश बोलना नहीं आता हूं, आप लोग मेरा पार्टिसिपेट करो, साथ दो, साथ देंगे ना। ओके, कमाता लोग कितने तरीके से? एक तरीके से। दो ही रास्ता है, या नौकरी या बिजनेस। तीसरा रास्ता है दो नंबर, वो दो नंबर से आता है, दो तरीके से पैसा। यस यू नो, एक नंबर से तो नौकरी में या बिजनेस में एक ही नंबर एक ही तरफ से आएगा, सच है ना। लेकिन वेस्टिज को करने से आपको सात तरीके से इनकम आएगा, तो कैसा लगेगा? है जी, यही चीज तो मेरे दिमाग में घर कर गई कि एक काम करने से सात इनकम आएगी, तो सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत काम तो ये है। 100% हमने प्रोडक्ट, पहला काम 100% प्रोडक्ट को यूज करना। यूज करना आसान काम है, मुश्किल है? हाँ जी, ऑलरेडी वेस्टिज से यूज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो यूज करते ही हो। अच्छा, चाय कितने लोग पीते हैं सुबह सुबह? अच्छा, लगभग सभी लोग पीते हैं। अब सुबह ब्रश कितने लोग करते हैं? मुंह कितने लोग धोते हैं? अच्छा, लगभग सभी लोग धोते हैं, क्या बात है। अच्छा, सुबह सुबह नहाते कितने लोग? अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं नहाते क्या? पसीना ही निकलेगा, बदबू आ जाएगा, सोच लो। अच्छा, ये सब चीज कर रहे ऑलरेडी, हम पता नहीं कितने सालों से करते हुए आ रहे ना। आप वेस्टिज से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो जाने अनजाने में कर रहे हो, राइट? मैंने यही तो किया, किसी भी दुकान को ही तो बदला और एक सोच को बदला और एक डिसीजन ले लिया कि लगाना एक रुपये है नहीं और ना किसी का एक रुपये लगवाना है। कोई कह नहीं सकता कि मोइन तेरे वजह से मैंने पैसा लगा दिया, कोई नहीं कह सकता, राइट? बस मैंने कहा चाय पियो, अच्छा लगे तो लोगों को खुल के बता दो, अच्छा ना लगे तो चुपचाप घर में बैठे रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलना यहां पे। और ईमानदारी से मैंने वही काम किया जो मैंने किया, वही टीम को सिखाया, 100% यूज करना। उसके बाद क्या हो गया सर? ये कहां चला गया? ईमानदारी से किसी को भी बता सकते हैं, यस ये नो, तो दिल से बताना है, बता सकते हैं? मुश्किल काम है, आसान है, राइट? यूज करना आसान काम, यूज करो, लोगों को बताना आसान काम, बता दो, और जब सिखाने की बात आए तो यहां लाके बैठा दो, अपलाइन सिखा देगा। सच है ना। तीसरा, लिस्ट बना लो आपके रिश्तेदार में, जानने वाले, दोस्त यार, कितने लोग हैं। जैसे शादी में हम लिस्ट बनाते हैं ना, कोई फंक्शन करते हैं तो बनाते हैं या नहीं? क्या ताकि वो फलाना आदमी रुक ना जाए, रह ना जाए, नहीं तो कल ताना देगा, मेरे को तो बुलाया नहीं है ना। अब सोचो, वो डर से हम लोगों का लिस्ट बना लेते हैं और अपनी कामयाबी के लिए लिस्ट बनाने में शर्माते हैं कि वो फलाना आदमी, कलुआ आदमी ज्वाइन करेगा कि नहीं, वो चाचा ज्वाइन करेगा कि नहीं, वो दोस्त ज्वाइन करेगा कि नहीं, ये नहीं सोचना है। क्योंकि आप पहले फीलिंग अच्छा लाना है कि लिस्ट में पहले सबका नाम डालो, क्योंकि आप जिनको नहीं लिखोगे तो वो
हो सकता है कोई और लिख लेगा अपने लिस्ट में, यस यू नो। तो इसलिए सबसे पहले आप लिखो, ओके क्लियर, समझ आ रही है। चौथा, जब लिस्ट में नाम लिखो तो देखो कौन सबसे ज्यादा आपको मानता है, आपकी बात को फॉलो करता है। आप उनके पास लिस्ट लेके जाओ और दिखाओ लिस्ट के इतने लोग हैं पहले आपके पास आए हो, स्टार्ट करो, दोनों भाई मिलके करेंगे। अगर आप करोगे तो भी मैं करूंगा, आप नहीं करोगे तो भी मैं करूंगा। अगर आप करते हो तो ये सारे लिस्ट आपके साथ आएगा, नहीं करोगे तो मैं तो करूंगा ही। तो लोग क्या कहेंगे, यार ये तो मेरे बगैर भी कर लेगा, मेरे बिना भी कर लेगा, तो इससे अच्छा है कि कर ही लो, है ना। सब आदमी आपकी बात मानेगा, यस यू नो। चौथा, जब आप करेंगे उसके बाद लोगों को इनवाइट करेंगे, लिस्ट बना के इनवाइट करेंगे। इनवाइट कहां करना है, ऐसी मीटिंग में, ताकि वो जान पाए, लीडर को समझ पाए, देख पाए कि यहां पे कितने लोग सफल हो रहे हैं। जब इनवाइट करेंगे तो उनके साथ करना है सौदा प्लान। क्या करना है, पांचवा सौदा प्लान, कि इतना ये आपने जो देखा इसमें जो लोग सफल हैं, क्या क्या काम किया इन्होंने, कितने लोगों को बताया, कितने लोगों को प्लान किया, कितना टीम बिजनेस बनाया, कितना पीवी बनाया, तो उसको कहते हैं सौदा प्लान, राइट। उनके साथ प्लान करोगे। उसके बाद करना है टीम वर्क, कि आपके टीम में कितने लोग हैं सफल होना चाहता है, उनको ट्रेनिंग करना है। छठा प्लान टीम वर्क, जो लोगों की मदद करना है और उनके साथ मिलके आपको काम करना है, राइट। सातवां काम होता है फॉलोअप में वो पावर होना चाहिए, फॉलोअप में वो ताकत होनी चाहिए, फॉलोअप में वो जान होनी चाहिए कि आपकी बात हर इंसान को पसंद आए। फॉलोअप ऐसा रिश्ता है कि आपकी बिगड़े हुई रिश्ता को अपनापन में बदल देता है। लोग क्या भटके हुए होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं, राइट। क्योंकि फॉलोअप आपका अच्छा होना चाहिए, और फॉलोअप में वो नहीं कि पहले हमने फोन किया और बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं बताना। क्या पता उनके घर में कोई तबीयत खराब हो, क्या उनको टेंशन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है जी, राइट। सबसे पहले फॉलोअप करेंगे कैसे, फोन करेंगे, मेरा चाचा हो या ताऊ या मेरा दोस्त हो, सर कैसे हैं आप, तो क्या जवाब आएगा, हम अच्छे हैं, है ना जी। घर परिवार कैसा है, काम उम कैसा चल रहा है, तो लोग ऑटोमेटिक कहेगा यार काम कहां चल रहा है, अभी मार्केट में तो बड़ा सील लग रहा है, नौकरी तो तनख्वाह रहा नहीं, एक महीना काम होता है 15 दिन बैठ जाते हैं, काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो उनको सब उसके बाद एक ही पॉइंट बताना, यार इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं सर, मैंने जो काम किया है, मैंने जो बिजनेस किया है, एक बार आओ एक बार देखो कितना बढ़िया बिजनेस है, एक बार देख लोगे दोस्त, और देख के समझ आए ना तो दिल से हम दोनों भाई मिलके करेंगे। और आप करो, अपनी लाइफ में चेंजिंग करो, आने वाला टाइम में ये दिक्कत कभी नहीं आएगा कि आज पैसा नहीं है, या आज काम नहीं चल रहा है, या आज मेरा सील लग गया, या कुछ, ये दिक्कत कभी नहीं आएगा। सेहत भी मिलेगी, इनकम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज हर इंसान को पसंद है ना, तो इसमें क्या किया आपने, उसको एक उत्साहित दिया, एक अच्छी चीज बताया, उनको जबरदस्ती भी नहीं किया, राइट। तो हर आदमी आपकी बात को मानेगा, उनको तो चाहिए वो काम, काम की जरूरत है उनको, पैसे की जरूरत है ना, सच है ना। वो आपके पास आएंगे, बैठेंगे, और आप उनको प्लान करो और अपने सक्सेसफुल लीडर से मिलवाओ। अगर आप प्लान करना जानते हैं तो आप प्लान कीजिए, नहीं जानते हैं तो अपने अपलाइन का साथ लीजिए, उनके साथ बैठाइए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए खुद प्लान करने के लिए। क्योंकि एड़ा बताओ, जैसे आपने देखा होगा एक प्रचार आता है, जूही चावला करती है, एड़ा है या टेड़ा है तो मेरा, कहती है ना। तो मैं कहता हूं प्लान बता दो, एड़ा बता दो, टेढ़ा बता दो, अपलाइन के सामने अपलाइन सीधा कर देगा, है तो मेरा, टेंशन मत लो, बता दो। अपलाइन के सामने बताओगे तो अपलाइन संभाल लेगा, राइट। लेकिन खुद मत कहना अपलाइन अपलाइन, बैठो आप ही बताओ इनको, और आप चुपचाप
बीड़ी पीने के लिए निकल गए। हेलो, अच्छा अच्छा, अरे अभी तो मीटिंग चल रहा है, हम आपको आधे घंटे के बाद करेंगे। ये नहीं करना कभी। किसी से बात कर सकते हो, दोस्त से, साथी से,